वैज्ञानिक अनुसंधान में प्राकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह वैज्ञानिक को निरीक्षण और परीक्षण की दिशा बतलाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान में उनका क्षेत्र निश्चित करती है और अनुसंधान करने वाले का समय और श्रम भी बचाती है। यह जो है वैज्ञानिक अनुसंधान का पहला बिंदु है, इसलिए इसे वैज्ञानिक अन्वेषण की दिशा निर्देशक भी माना जाता है। सभी वैज्ञानिक जो हैं अपने अनुसंधान में इसी प्राकल्पना का प्रयोग करते हैं। जैसे इतिहास का जासूस है, समाजशास्त्री है, सभी प्राकल्पना का प्रयोग करते हैं। केवल ज्ञान के क्षेत्र में ही प्राकल्पना का सत्यापन महत्वपूर्ण नहीं है, वरन हमारे जीवन में भी इसका उपयोग, हर समस्या को समझने में, विश्लेषण करने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, प्राकल्पना के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है नियम के विषय में पूर्व कल्पना। इसका मतलब है कि यदि हमें किसी घटना के विषय में मालूम नहीं है कि वह घटना किस नियम से होती है, तो उस घटना के नियम की हम पहले कल्पना कर लेते हैं। जैसे आइजक न्यूटन जो हैं, उन्होंने पेड़ से सेब को नीचे गिरने का नियम पहले पता नहीं था, इसलिए उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की कल्पना बनाई। सभी वैज्ञानिक नियम जो है प्रकल्पना ही होते हैं। जब कल्पना का सत्यापन हो जाता है तो वह नियम का सिद्धांत बन जाती है। ठीक है, तो ये पहला प्रकार है कि नियम के विषय में पहले से ही कल्पना कर ली जाती है। दूसरी, कर्ता के विषय में पूर्व कल्पना, यानी किसी घटना में हमें कर्ता का पता नहीं होता तो हम कर्ता के विषय में पहले कल्पना कर लेते हैं। जैसे किसी घर में चोरी हुई है और दरवाज़ा खुला है, सामान भी बिखरा हुआ है और कुछ कीमती सामान गायब भी है, तो हम स्पष्ट से कह सकते हैं कि चोरी हुई है। और यदि खिड़की टूटी हुई है या दीवार में सेंध है, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चोरी किस तरह हुई है, किंतु चोरी किसने की है यह पता नहीं होता है। इसलिए यहाँ कर्ता के विषय में प्रकल्पना की जाती है। अब यहाँ मकान मालिक को किसी पर शक है तो वह पूर्व कल्पना बनाता है कि चोरी उसने की होगी, फिर इस पूर्व कल्पना की जाँच करते हैं। जाँच में यदि वह निर्दोष पाया जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरी प्रकल्पना बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कर्ता के विषय में पूर्व कल्पना की जाती है। तीसरी है परिस्थिति विन्यास के विषय में पूर्व कल्पना, यानी परिस्थितियों के समूह का विशेष प्रकार से स्थापित होना। जैसे रुई है, चिंगारी है, पेट्रोल है, आग है, ये एक साथ जब उपस्थित हैं तो ऐसी परिस्थिति विन्यास बन जाता है कि जिसमें आग लगने की संभावना होती ही है। ठीक है, तो टॉलमी का सिद्धांत यह था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, यानी सूर्य जो है चंद्रमा आदि ग्रह पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। तो किसी वक्त यह सिद्धांत स्थापित और मान्य था, परंतु बाद में कॉपरनिक्स का सिद्धांत जो है उन्होंने इस टॉलमी के सिद्धांत को चुनौती दी और उन्होंने यह प्रकल्पना स्थापित की कि सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य ना होकर के पृथ्वी है, यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इससे सौरमंडल की व्याख्या करना संभव हो सका। यानी परिस्थितियाँ, यानी कि परिस्थिति विन्यास के संबंध में अगर हमें पता हो तो प्रकल्पना सिद्ध हो जाती है। नियम तथा कर्ता का पता हो तो परिस्थिति विन्यास की कल्पना हो सकती है, और नियम तथा परिस्थिति का पता हो तो कर्ता की पूर्व कल्पना हम कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रकल्पना के तीन रूप हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, कोई भी प्रकल्पना वैलिड है या नहीं उसकी क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। तो इसका पहला बिंदु यही है कि सही और वैलिड अथवा तर्कसंगत प्रकल्पना की सबसे पहली विशेषता यही है कि वह हमारे आसपास के तथ्यों की व्याख्या करें, यानी हमारे सामने जो घटनाएं हो रही हैं उनकी व्याख्या करें। प्रकृति में होने वाली वास्तविक घटनाओं पर भी वो आधारित हो, यानी जिस पर हम कल्पना कर रहे हैं वो उस तथ्य के अनुरूप हमारे सामने वे विषय भी होने चाहिए। दूसरा है कि अच्छी प्रकल्पना की दूसरी विशेषता यही है कि उसमें परीक्षण और अनुभव द्वारा जितने भी सत्य स्थापित किए जाते हैं, है ना, वो सत्यापित होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उसको सत्यापित ही ना कर पाएं। नेक्स्ट है कि एक प्रकल्पना का उद्देश्य जो है वो पूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अच्छी प्रकल्पना की शर्त यह भी है कि उसे स्वयं स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट, दुर्बोध और द्विअर्थी, यानी दो अर्थों वाली प्रकल्पना समस्या का समाधान जो है वो नहीं कर सकती है।
ऐसी प्राकल्पना जिसमें गणना है, चित्रांकन है और निरीक्षण की कम जरूरत हो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वैज्ञानिक जो है गणितीय रूप से सरलतम प्राकल्पना को वरीयता देते हैं। जैसे मैथ्स में है कि द्विघाती समीकरण की अपेक्षा एक रेखीय समीकरण को अधिक अपनाते हैं। यदि दोनों समीकरण आंकड़ों के अनुकूल हों तभी। इस तरह से कोपरनिक्स ने भी सोचा कि खगोलीय पिंडों की जो चक्रीय गति की जटिलताएं हैं वो निरीक्षणकर्ता की अपनी गति के कारण थी, जिसने सूर्य को केंद्र में रख करके खगोलीय पिंडों की सरल व्यवस्था का उपाय किया। इसी तरह से एक अच्छी प्राकल्पना की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वह अन्य स्थापित सत्यों या नियमों की विरोधी ना हो। पूर्व स्थापित नियम ही वैज्ञानिक ज्ञान को स्थिरता प्रदान करते हैं और उनकी विरोधी पर प्राकल्पना जो है वो संदेहजनक हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो प्राकल्पना उपरोक्त जो है सभी शर्तों को पूरा करती है तो वह न्यायसंगत है, वैलिड है और अच्छी कहलाएगी। कोई भी वैज्ञानिक जो काम है करने योग्य प्राकल्पना से ही अपने अन्वेषण की शुरुआत करता है। अब प्राकल्पना की वैधता के दो चरण होते हैं, एक तो सत्यापन, दूसरा प्रमाण। सत्यापन में तथ्यों और अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर ही प्राकल्पना की सत्यता का परीक्षण किया जाता है। यानी जब तक आपके पास में तथ्य नहीं होंगे, पूरे आंकड़े पूरे नहीं होंगे जिनका आपने अनुभव किया है, तो आप प्राकल्पना कैसे जो आपने बनाई है वो सत्य होगी। तो सत्यापन का लक्ष्य है यह पता करना ही है कि प्राकल्पना से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे वास्तव में वे हमारे अनुभव से मेल खाते हैं या नहीं। ठीक है, दूसरा है प्रमाण। यानी एक प्राकल्पना को प्रमाणित करने के लिए साक्षात या परोक्ष सत्यापन मात्र एक सोपान है। यानी किसी भी प्राकल्पना को तभी अंतिम रूप से प्रमाणित माना जाएगा जब वह तथ्यों को प्रस्तुत करे या फिर वह समस्या का एकमात्र समाधान हो। ठीक है, इस तरह से प्राकल्पना के ये दो चरण हैं। ओके, थैंक यू।